तो बस कुछ टाइम पहले मेरा दोस्त दुबई गया था, एंड दुबई मेरा दोस्त ही गया था, मैं नहीं क्योंकि मेरे पास सरोजनी नगर तक के पैसे हैं। दुबई से वापस आने के बाद वो काफ़ी चीज़ें बता रहा था मुझे कि भाई दुबई ये ऐसी है, दुबई वैसी है। उसने बताया कि दुबई में मैंने पहली बार टेस्ला देखी, मुझे वो टेस्ला के बारे में बता रहा कि भाई टेस्ला ऐसी गाड़ी है, टेस्ला वैसी गाड़ी है, टेस्ला काफ़ी स्मूथ चलती है, कोई आवाज़ नहीं होती इसमें, इलेक्ट्रिक है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टेस्ला दुबई में चल रही है, हमारे इंडिया में ई रिक्शा चल रही है। तो थोड़ी देर तो वो मुझे देखता रहा कि ये मैंने क्या बोल दिया। उसके बाद बोलता है कि भाई अगर सोच भी रहा है तो कुछ तो अपनी औकात से ज़्यादा सोचा कर। और उसने मुझे बताया कि जब मैं टेस्ला में बैठा तो भाई बिल्कुल ही स्मूथ चल रही थी गाड़ी, और 150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एंड उसके बीच में ड्राइवर बोलता है कि भाई यार ट्रैफिक बहुत है। मैंने सुना है, मुझे थोड़ा शॉक टाइप का लगा कि भाई अगर ट्रैफिक है तो उसमें 150 की स्पीड में गाड़ी कैसे चल सकती है। मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि सही में ट्रैफिक था क्या, कह रहा है उनके लिए वो ट्रैफिक था, हमारे लिए इतना ट्रैफिक तो मोमोज की दुकान के बाहर लगते हैं। तो हम लोग यहाँ 80 और 100 के बीच में गाड़ी नहीं चला पा रहे ढंग से, है ना। वो 150 की स्पीड में ले आके कह रहा है कि भाई ट्रैफिक है, कमाल है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई अगर ट्रैफिक का नहीं पता उसे तो साफ सीधा उसे ड्राइवर को इंडिया ले आता, एंड बोलता कि भाई तू शाम को दिल्ली से गुड़गांव जाके दिखाई हिम्मत है। तो दिवाली आने वाली है ना, एंड दिवाली में सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं भाई मैं बता दूँ, वो जॉब वाले बंदे खुश होते हैं जो जॉब करते हैं कंपनी में। तो मैं भी जब जॉब करता था तो हम लोग भी बहुत पहले बोनस के लिए बातें किया करते थे कि भाई दिवाली आने वाली है, इस बार क्या बोनस मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। काफ़ी सारी 10-15 दिन पहले से हमारी से बातचीत स्टार्ट हो जाती थी कि भाई ये चीज़ मिलेगी शायद इस बार। तो जब मैं जॉब करता था तो मुझे भी एक बार दिवाली का बोनस मिला था, 500 रुपया एक सोन पापड़ी का डब्बा। वो भी लेने के लिए हमें उस दिन ऑफिस जाना पड़ता था दिवाली वाले दिन, जो आने जाने में तो 200 रुपये खर्च हो जाते थे, काट पीट के बेचा भाई 300 रुपये का बोनस और एक सोन पापड़ी का डब्बा। ये किस तरह का बोनस दे रहे हैं ये लोग, और उसमें भी ये लोग कहते थे कि भाई एथनिक वेयर पहन के आना है। जिंदगी में आज तक नहीं पहना मैंने, उस चूतिए की कंपनी के लिए मुझे एथनिक वेयर खरीदना पड़ा, 600 रुपये का एथनिक वेयर था मेरा। मैंने कहा ये क्यों दे रहा है मुझे बोनस, खैर क्या करें। खैर मेरा मन भी नहीं करता था जाने का यार वहाँ पे, लेकिन मुझे जाना पड़ता था क्योंकि पहले ही बोल देता वो कि जो नहीं आएगा उसकी सैलरी कट हो जाएगी। तो हमें ये डर रहता था यार कि 400-500 रुपये जो बन रहे मेरे दिन के वो भी ना काट ले गई, तो इसलिए हम डर के मारे चले जाते थे कि भाई चल कुछ तो देगा ही, 500 रुपये तो दे ही रहा है बोनस के। उसमें भी जब नेक्स्ट डे हम ऑफिस जाते थे दिवाली के बाद तो मैनेजर का एक अलग ही लाइट चलती थी। उसके बाद मैनेजर कहता था यार अब तो तुम लोग ढंग से काम कर लो, अब तो बोनस भी मिल गया। मेरा मन तो करता था भाई कि मैनेजर को बोलूँ कि साले मैं थूकता हूँ तेरे इस बोनस पे, अरे 300 रुपये का बोनस। भाई मेरी जो कंपनी थी बड़ी लीचड़ कंपनी थी यार, सही में बहुत बड़ी लीचड़ कंपनी थी। 15 अगस्त वाले दिन नेशनल हॉलीडे रहता है, जिस दिन दुनिया जाती है लाल किला उस दिन हम जाते हैं कंपनी। मैनेजर बोलता था कि भाई 15 अगस्त वाले दिन सबको आना है, इन्जॉय करेंगे, पार्टी करेंगे 15 अगस्त वाले दिन। उसे समझ नहीं आ रही कि हम लोग उसे बद्दुआ दे रहे हैं कि साले छुट्टी दे दे, हमारे सारे दोस्त लाल किला जा रहे हैं, साले आज के दिन तो हमें चैन से जीने दे, हमें भी जाना है वहाँ पर। और इन्जॉय तो मेरा मैनेजर ऐसे बोलता था जैसे कि रशियन बुला के रखी हो उसने कंपनी में, ये मनीष आने वाला है, ठीक है बहुत बढ़िया, 15 अगस्त वाले दिन कंपनी बुला रहा है। और पार्टी के नाम पे एक समोसा, एक पेस्ट्री और 2 एल्पेनलीबे, इससे ज़्यादा तो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी मिल जाता हमें, उसमें एक आइटम एक्स्ट्रा ही रहता था, नमकीन। और उस दिन भी वो थोड़ी देर बोल के हमें 5 घंटे काम करवा लेता था ऑफिस में, सिर्फ एक समोसा, एक पेस्ट्री और 2 एल्पेनलीबे के लालच से। और उसके बाद जो वो बोलता था ना शाम को घर जाते समय कि भाई मज़ा आ गया आज पार्टी करके, तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को ना अगर उस टाइम भी कुछ होता ना कि भाई अगर एक खून माफ होता मैं उस दरिंदे से सारे एम्प्लॉयज को आज़ाद करवा देता।
अगर एक खून माफ होता तो। और हाथ तो वो तब कर देता था जब वो कहता था, गाइस वी ऑल आर अ फैमिली। भाई ये सुनने के बाद तो मेरी गांड निकल जाती थी। मैंने कहा भोसड़ी को तुझे फैमिली का मतलब नहीं पता, तू मेरा है फैमिली में। साले एक समोसा देकर कोई 5 घंटे काम नहीं करवाता है। मैंने तो भाई, मैं तो मैनेजर को इतनी गालियां देता हूँ ना, इतनी गालियां अभी भी देता हूँ। अभी कंपनी छोड़े काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं इतनी गालियां देता हूँ। मुझे लगता है जब वो रात को सोने जाता होगा ना, तो उसके मुंह से झाग आती होगी। मैं भाई बहुत बदबू आती है, मैं सोचता हूँ साढ़े का आराम ही था। सो दैट्स माई टाइम का, थैंक यू वेरी मच।